हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो। तो गाइस, इस वीडियो बहुत ही अच्छा हुआ है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, तब भी कुछ आप लोग समझ में पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में पाओगे। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, आपको सबसे पहले लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है फोटो को लेकर। तो देख सकते हो गाइस, मैं कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपको नीचे देख सकते हो ए वाली पे आ जाना है। आने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट जो है ऊपर में देख सकते हो, इसको इस तरह से माइनस की ओर कर देना है। देख सकते हो इतना सा हाईलाइट है, हाईलाइट को इतना सा माइनस कर देना है। शैडो जो है गाइस, शैडो को भी माइनस कर देना है, देख सकते हो। उसके बाद व्हाइट को भी माइनस कर देना है गाइस, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपको ब्लैक को भी थोड़ी सी माइनस कर देना है। करने के बाद आपको नीचे वाले टूल जो है उस पर आपको आ जाना है, देख सकते हो। आने के बाद आप लोग देख सकते हो टेम्परेचर जो है गाइस, टेम्परेचर को करीब 10 के करीब रखना है, 10-9 के करीब। उसके बाद टिंट जो है गाइस, उसको भी थोड़ी सी माइनस की ओर रख देना है। उसके बाद वाइब्रेंस जो है गाइस, उसको प्लस की ओर कर देना है गाइस, करीब 40 के करीब, देख सकते हो। तो उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ी सी प्लस की ओर रख देना है, करीब 10 के करीब। तो गाइस देख सकते हो मैं कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको आ जाना है नीचे वाले टूल में। आने के बाद आपको टेक्सचर जो है गाइस, टेक्सचर अपनी फोटो का टेक्सचर, तो उसको थोड़ी सी दे देना है, देख सकते हो करीब इतना, ठीक है। तो उसके बाद क्वालिटी को भी करीब थोड़ी दे देना है, देख सकते हो। तो गाइस, बिगनेट को भी थोड़ी सी माइनस, सॉरी इसको थोड़ी सी माइनस कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको बिगनेट जो है, बिगनेट को भी थोड़ी सी माइनस की ओर कर देना है, करीब ठीक है 20 करीब, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट को भी रख देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको आ जाना है इस टूल में। आने के बाद आपको मैक्सिन पे ऊपर में जो देख सकते हो गाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आप लोग देख सकते हो जो सेकेंड वाली टूल है, उस पर आपको आकर सैचुरेशन को माइनस की ओर कर देना है, देख सकते हो इस तरह से, और ल्यूमिनेंस को प्लस की ओर रख देना है इतना सा, देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको फिर से फास्ट वाली टूल में आपको आ जाना है, देख सकते हो ऑरेंज वाली में, सॉरी रेड वाली में। आने के बाद सैचुरेशन की प्लस की ओर कर देना है, ल्यूमिनेंस की थोड़ी सी प्लस की ओर रख देना है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपको ईओलो में आ जाना है गाइस, ईओलो देख सकते हो, इस पर आकर आपको ह्यू जो है गाइस, ह्यू को थोड़ी सी माइनस की ओर रख देना है, सैचुरेशन की प्लस की ओर कर देना है, देख सकते हो। तो अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है गाइस कलर। तो उसके बाद आपको देख सकते हो गाइस, ग्रीन में आकर इसको भी थोड़ी सी कलर एडजस्ट कर लेना है, कहाँ आपको ठीक लग रहा है। तो मुझे इस पर ठीक लग रहा है, देख सकते हो। तो मैं कर लेता हूँ अच्छी तरह से ग्रेडिंग कर लेता हूँ, तो देख सकते हो, तो मुझे इस पर ठीक लग रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो ब्लू है, उस पर आपको आ जाना है गाइस। तो इस पर क्लिक कर आपको जो ह्यू है, सॉरी सैचुरेशन की प्लस की ओर कर देना है, और ह्यू को थोड़ी सी माइनस की ओर रख देना है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है गाइस। डन पे क्लिक करने के बाद आपको जो देख सकते हो नीचे वाली टूल में आपको आ जाना है, देख सकते हो। इस पर आकर आपको शार्पिंग जो है गाइस, शार्पिंग को करीब इतना सा रखना है। उसके बाद आपको मैक्सिंग जो है गाइस, इतना सा ठीक है। उसके बाद आपको नॉइस रेडिंग को इतना सा रख देना है। उसके बाद कॉन्ट्रेस्ट को इतना सा करीब 10 के करीब, कलर नॉइस के करीब इतना सा रख देना है। उसके बाद आपको स्मूथ जो है गाइस, स्मूथ को करीब इतना सा, और डिटेल्स को। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो, तो पहले इस तरह से था, अभी मेरा फोटो कुछ इस तरह से हुआ है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद इस फोटो को सेव कर लेना है, देख सकते हो मैं इस फोटो को सेव कर लेता हूँ। तो गाइस, इस फोटो को सेव कर लेने के बाद आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है इस फोटो को लेकर। तो मैं देख सकते हो मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर लेके आ चुका हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, तो उसके बाद आपको आ जाना है यैट फोटो में। तो चलो मैं यैट फोटो में आ जाता हूँ। इससे क्या करूँगा, इससे मैं बोके इफेक्ट जो है वो इफेक्ट लगाऊँगा। तो देख सकते हो मैं यैट कर चुका हूँ। तो यैट करने के बाद इस तरह से जूम कर लेना है, जूम कर अपने मुताबिक लगा देना है गाइस, देख सकते हो। तो इस तरह से जो है इसको कम कर देना है, ओपेसिटी को कम करने के बाद आपको आ जाना है ब्लेंडिंग में।
इस पर आकर आपको देख सकते हो, इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर आकर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आकर आपको स्क्रीन कर देना है। बहुत ही बढ़िया, स्क्रीन कर कर आपको देख सकते हो। उसके बाद आपको जो ओपेसिटी है गाइस इस बोके का, तो इसको इस तरह से अपने मुताबिक रखना है, करीब इतना सा मैं देख सकते हो, इतना सा अभी फ़िलहाल रखा हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। तो चलो मैं थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ। कर लेने के बाद आपको देख सकते हो गाइस, इरेजर इरेजर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद को जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ आपको इरेज कर लेना है गाइस इस तरह से। तो चलो मैं थोड़ी सी फास्ट कर लेता हूँ इरेज। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा इरेज करना हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आप लोग देख सकते हो मेरा फोटो इस पर राइट पे क्लिक कर दूँगे। क्लिक करने के बाद अपने मुताबिक आप इफेक्ट देख सकते हो गाइस, अपने मुताबिक कितना रखना है इस तरह से अपने मुताबिक करना है। तो मुझे चलो इतना ठीक है, इतना मुझे ठीक लग रहा है। तो उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा गाइस, क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आ जाना है ड्रॉ टूल एप्लीकेशन के अंदर। क्लिक करने के बाद तो ड्रॉ टूल एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, थ्री डॉट पे जाकर फोटो को सेव कर लेना है। तो गाइस फोटो सेव कर लेने के बाद आपको ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर आप लोग देख सकते हो मेरा फोटो जो है फट रहा है, मतलब कि स्मूथ नहीं हुआ है। तो मैं फ़ोटो को स्मूथ करूँगा इससे। तो चलो कहाँ कहाँ से करता हूँ मैं सब चीज़ दिखाऊँगा। तो उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। करने के बाद आप लोग देख सकते हो जो है इस ब्रश को आपको ले लेना है गाइस। तो ले लेने के बाद आपको सेटिंग पे आ जाना है, इस ब्रश का सेटिंग पे आ जाना है देख सकते हो। तो आने के बाद आपको साइज करीब इतना सा रख लेना है देख सकते हो, इस तरह से साइज रख लेना है। रख लेने के बाद आपको इस तरह से स्मूथ कर लेना है गाइस, इस तरह से स्मूथ कर लेना है। तो जो स्मूथ करना आप लोगों को नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक दे दूँगी, या आई बटन के ऊपर मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी। तो अच्छी तरह से मैं दिखाया हूँ किस तरह से स्मूथ करता है, तो आप लोग जाकर देख लेना जिसको नहीं आता है स्मूथ करना। तो देख सकते हो मैं थोड़ी स्मूथ फास्ट कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा फ़ोटो स्मूथ करना हो चुका है देख सकते हो गाइस। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, मेरा मतलब कि मेरा फ़ोटो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको शेयर जो है देख सकते हो, शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको सेव टू ड्राइव इस पर क्लिक कर लेना है। कर लेने के बाद आपको अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए बाय।